मैकडोनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात गांधी जी ने तो कभी मानी नहीं। लेकिन मुसलमान, सिख और ईसाइयों को तो अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं, वो उसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ हमें ही परे रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में कहा, लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। अंबेडकर, बापूजी को बचाओ। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ। डॉक्टर अंबेडकर, बापूजी को बचाओ। अंबेडकर, मान जाओ। आप लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते? बहुत काम करना है मुझे। वहाँ गांधी जी खतरे में है और ये यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। आप जाकर क्यों नहीं मिलते महात्मा जी से पुणे में? आखिर क्यों? मैं जो चाहता हूँ मैंने बता दिया। मुझे काम करने दीजिए, कल सुबह मुझे कोर्ट जाना है एक केस के लिए। क्या पैसा कमाना तुम्हारे लिए गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? मैडम पेरिन और मिस्टर ठक्कर, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती होगी। अगर मैं काम नहीं करूं तो खाओ क्या, मेरा परिवार भूखों मरेगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण एक हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं, हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उपवास शुरू करके उन्होंने तो हमें खलनायक ही बना दिया। कौन है बापू? धन्यवाद। मतलब भाई, मेरी ईश्वर के साथ लड़ाई शुरू होती है। आपके आराम करने से पहले बापू, पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। रमा, अरे आप लेटी रहो, लेटी रहो, आराम करो। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं नहीं रमा, तुम मत उठो, मैं खाना लाती हूँ। लेटी रहो। तुम दवाई तो ले रही हो ना? क्यों लड़ रहे हैं आप गांधी बाबा से? ये तो मेरे भाग्य में, ना लड़ो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। पैनल, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। चलिए।
आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है, आपका क्या सुझाव? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया, आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अंबेडकर, मैं सदैव आपके साथ हूं। आप अछूत हो जन्म से, मैंने खुद को अछूत मानना अपना लिया है। आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। जी गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं सिद्धांतों की वजह से। हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक विधानमंडल में भेजने के लिए ऐसे लोग छांटें जो सिर्फ नाम के नहीं उनके असली प्रतिनिधि हो। बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव? इससे तो एक अनैसर्गिक विभाजन हो जाएगा शोषित पीड़ित वर्गों में, और आपस में बंटवारा भी। क्यों ना पैनल के द्वारा प्रारंभिक चुनाव करें सभी सीटों के लिए। ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है मुझे। शाबाश, अब पैनल बना हो 5 का बजाय 2 के। मैं आपको वचन देता हूं अंबेडकर, आज से मेरी पूरी जिंदगी इस देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही अर्पित होगी। अब बाकी बातें विस्तार से इन साथियों के साथ। मैंने अपने बाकी साथियों से बात की है। प्रांतीय सभा के लिए वो लोग 126 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग 197 सीटों की मांग पर अडिग हैं। इस तरह जान खतरे में डालना ठीक नहीं है। तो हम सहमत हैं 148 सीटें देने के लिए, और हिंदू सीटों में से 10% सेंट्रल असेंबली में। लेकिन प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था 10 साल के अंत में खत्म होनी चाहिए, और आरक्षित सीटों का सवाल अगले 15 साल तक जनमत से तय किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, सुरक्षित सीटों और अलगाव का पाप बढ़कर महापाप हो जाएगा अगर हम उसे खत्म करने का जिम्मा पीड़ित वर्ग की मर्जी पर छोड़ दें। और जनमत संग्रह के लिए 15 साल का समय मांग रहे हैं आप। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि अगले 20 सालों में छुआछूत की प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन जब सवर्णों को डेमोक्लेस की तलवार का सामना करना पड़ेगा तभी उनका अछूतों के प्रति अमानवीय व्यवहार बदल पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, आप समझते क्यों नहीं, गांधी जी की जिंदगी खतरे में है। तो क्या हुआ, ओ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं किसी को साफ करने के लिए कह दूंगा। देवदास, बापूजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वे बहुत कमजोर हो गए हैं। आपने सुना देवदास क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, मान जाइए, जनमत की बात को ना उठाइए, मान जाइए। मैंने इनकी बहुत सारी बातें मान ली हैं बापूजी,
197 से 150 सीटों पर आ गया। केंद्रीय विधानमंडल में 18% और पैनल में 4। मैं मानता हूं कि इस वजह से छुआछूत की प्रथा 15 या 20 सालों में गायब नहीं हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि इस मसले पर 10 सालों में पीड़ित वर्गों का मत संग्रह करा लिया जाए, लेकिन ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मतलब इससे सवर्णों की धीरज की अग्नि परीक्षा हो जाएगी? विचार बुरा नहीं, पर इतना इंतजार क्यों करे? क्यों न 5 साल में? सवर्णों के अछूतों पर सदियों से किए हुए अत्याचारों के खिलाफ अछूतों के अंदर जो पीड़ा और नाराजगी है, क्या उसे बयान करने की जरूरत है? तब भी आप सोचते हैं बापूजी कि 5 साल? जानता हूं आपको हक है अपने बचाव की मांगे करने का, पर अपनी इस मृत्युशैया पर लेटे हुए मैं आपसे उदारता की अपेक्षा रखता हूं, थोड़ी मोहलत मांगता हूं सवर्णों के लिए। उनका ईमान अब जागने लगा है अंबेडकर, कानूनी उपाय करेंगे इस वक्त तो फिर हृदय परिवर्तन और आत्मशुद्धि के इस कार्य में विलंब हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ठीक है जनमत, लेकिन 5 साल के अंदर। पांच साल या मेरी जिंदगी। डॉक्टर अम्बेडकर, हमें अब चलना चाहिए। मिस्टर गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। डॉक्टर ने इस पर जनमत संग्रह की शर्त के बिना दस्तखत करना कबूल कर लिया है। इस समझौते पे डॉक्टर अम्बेडकर और पंडित मालवीय दस्तखत करेंगे, इससे गांधी जी का दीर्घ उपोषण भी समाप्त हो जाएगा। अम्बेडकर, एक बार फिर लोगों के मन में आप गुस्से की वजह बन गए। मैं क्या कहूं मिस एपस्टाइन, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज इस देश के हिंदुओं के दिल में सबसे ज्यादा नफरत मेरे लिए है। मुझे देशद्रोही करार दिया गया, नाशक ठहराया गया हिंदुत्व का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन जब ये धुआं हट जाएगा और जब इतिहासकार निष्पक्ष होकर मेरी जिंदगी का वापस लेखा जोखा करेंगे, तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं कि पीड़ित वर्गों का मेरे काम में असीम विश्वास है। ये पक्का है कि मैं उनके दिल में हमेशा बसा रहूंगा।